नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार में कई अहम खबरें हैं जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं सबसे पहले जेई भर्ती के अभ्यर्थियों की, 2018 वाली भर्ती जो थी उत्तर प्रदेश में जेई की, उसके बारे में बात करते हैं। सीएम आवास के पास जेई भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हुआ है। गुरुवार को सपा अध्यक्ष से भी इन लोगों ने मुलाकात की है। जूनियर इंजीनियर जेई भर्ती के अभ्यर्थियों ने गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री आवास चौराहे के पास प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी जेई भर्ती 2018 के अंतिम परिणाम जारी किए जाने और मुख्यमंत्री से मुलाकात कराए जाने की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस ने उन्हें चौराहे पर ही रोक दिया। अभ्यर्थियों के 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री से ओएसडी से मुलाकात करवाई गई। फिर सभी को बसों में भरकर इको गार्डन भेज दिया गया। इन अभ्यर्थियों ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और राज्य सरकार के सौतेले व्यवहार पर नाराजगी जताई। काफ़ी पुरानी भर्ती है, 2018 की भर्ती है, अभी अंतिम परिणाम इसका जारी नहीं किया गया, इसलिए छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब हम आगे बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण सीटों के अभ्यर्थियों ने गुरुवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने जल्द से जल्द इस भर्ती में न्याय का भरोसा दिया। साथ ही पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कश्यप एवं प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह के आह्वान पर अभ्यर्थियों ने भाजपा संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष को पत्र लिखा है। आरोप लगाया है कि 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है और इसमें अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। बीच में ये हुई थी कि 19,000 की जगह 1900 सीटों पर कुछ नए अभ्यर्थियों की भर्ती करवानी थी, लेकिन वह भी जो है प्रक्रिया आधे में रुकी हुई है। लिस्ट निकल चुकी है, ज्वाइनिंग मिलना है छात्रों को, ज्वाइनिंग नहीं दी गई है अभी तक। नीट पेपर लीक का मुख्य आरोपी राखी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 18 को याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। नीट यूजी से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 18 जुलाई को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को बताया कि केंद्र और NTA ने शीर्ष अदालत के 8 जुलाई के आदेश का अनुपालन में अपने हलफनामे दाखिल किए हैं। कर्मचारियों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, EPF पर ब्याज दर बढ़कर 8.25 हो गई है। 8.15 था, इसको बढ़ा के 8.25 कर दिया गया है और इस पर जो है वित्त मंत्रालय की तरफ से बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है। ये 23-24 के लिए बढ़ी हुई दर है और जो गणना हुई अभी 8.15 से हुई है, तो 8.25 से ब्याज आपके खातों में जमा हो जाएगा। डिजिटल हाजिरी पर CM ने पहल की है और आज से शिक्षकों को मनाने फील्ड में अफसर उतरेंगे। शिक्षक जो है बिल्कुल हाजिरी नहीं लगा रहे हैं और जब स्कूल का टाइम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद धरना प्रदर्शन करते हैं। अर्धसैनिक बलों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण, शारीरिक जांच से छूट, ये दो चीज़ें दी गई हैं। सिर्फ 25% अग्निवीर सेना में स्थायी होंगे। 2 साल पहले जून 2022 में तीनों सेनाओं में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की उम्र 17.5 साल से 21 साल थी। भर्ती सिर्फ 4 साल के लिए होती है। जवानों को अग्निवीर कहा जाता है। इसमें 25% को अगले 15 वर्षों के लिए सेना में शामिल किया जाता है। शेष 75% को एक मुश्त राशि देकर बाहर किया जाएगा। यह राशि करीब 22 लाख रुपए होती है। अर्धसैनिक बलों के लिए अब जो यहाँ पे जिसमें आता है CRPF आता है और CISF आता है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF आता है, इसमें जवानों की जो भर्ती होगी उसमें 10% पद जो है अर्धसैनिक बलों में अग्निवीरों के लिए रखे जाएंगे। जो अग्निवीर की नौकरी से रिटायर्ड हुए हैं, 4 साल बाद जो रिटायर हो गए हैं, उनको जो है इसमें रखा जाएगा और इनको शारीरिक जांच से भी छूट मिलेगी, यानी कि इनकी फिजिकल एग्जामिनेशन इनका नहीं किया जाएगा।
तो जो भी भर्ती अर्धसैनिक बलों में होगी उसमें अग्निवीरों को फायदा मिलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी, भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, ये चीज़ फाइनल हो गया। भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अपने मैच दुबई या श्रीलंका में कराने की अपील कर सकता है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अगले साल फरवरी मार्च में पाकिस्तान में ये चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को चैंपियंस ट्रॉफी के मैच एक ही शहर लाहौर में खेलने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन बीसीसीआई की पाकिस्तान में कोई रुचि नहीं है। पिछले साल पाकिस्तान में हुए एशिया कप में भी टीम इंडिया नहीं गई थी, उसके सभी मैच श्रीलंका में खेले गए थे। सीएचएसएल परीक्षा जो है समाप्त हो गई है, बृहस्पतिवार को समाप्त हुई है। 9 दिन तक चली इस परीक्षा में 53.49% अभ्यर्थी जो है परीक्षा में बैठे हैं। अब यहाँ पे 4 पाली में डेली ये परीक्षा कराई जा रही थी और यहाँ पे यूपी और बिहार के लिए 19 शहरों में 79 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इसमें दोनों राज्यों के 849,718 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 454,500 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। कड़ी सुरक्षा के बीच ऑनलाइन परीक्षा की निगरानी सीसीटीवी में हुई। केंद्रों पर बायोमेट्रिक उपस्थिति ली गई थी। एसएससी मध्य के निदेशक राहुल सचान ने बताया कि परीक्षा के लिए आगरा, अलीगढ़, आरा, बरेली, भागलपुर, दरभंगा, गया, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, पूर्णिया और वाराणसी में केंद्र बनाए गए थे। इस परीक्षा में सीएचएसएल की परीक्षा में कट ऑफ कितना होगा उसका अनुमान लगाकर आपको इस चैनल पर बताया जाएगा। जून भी बीत गया, नए आयोग को स्थायी अध्यक्ष नहीं मिले। शिक्षक भर्ती पूरी तरह से इसकी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, कोई ठोस फैसले नहीं लिए जा रहे हैं क्योंकि स्थायी अध्यक्ष नहीं है। शिक्षक सेवा चयन आयोग के स्थायी सदस्य की नियुक्ति के लिए लोकसभा चुनाव से पहले आवेदन मांगे गए थे। आवेदन की मियाद बीतने के बाद भी अध्यक्ष का नाम तय नहीं हो सका है और शासन ने दोबारा आवेदन मांग लिए। इसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई और इसकी वजह से अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया अटक गई। चर्चा थी कि आचार संहिता हटते ही आयोग को स्थायी अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन जून भी बीत गया और आयोग को अभी तक कोई नया अध्यक्ष नहीं मिला। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 और टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया को अगस्त में दो साल पहले इसकी पूरी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। आवेदन लिए जा चुके हैं, दो साल में अगर एग्ज़ाम करवाया गया हो तक, जैसे कि बिहार में 3-3, 4-4 महीने में ज्वाइनिंग दे दी जा रही है, तो आज कितने छात्र जो है नौकरी कर रहे होते। पुलिस भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई। हालांकि इनको अभी जो है रिहाई नहीं मिलेगी क्योंकि आरओ एआरओ पेपर लीक मामले में अर्जी इनकी खारिज हो चुकी है, इसलिए अभी जेल में ही रहेंगे ये राजीव नयन मिश्रा जी। बीएसएनएल का की तरफ अगर हम बात करें तो देखिए, बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है और जो इस समय आज की डेट में टैरिफ 45% इसका बाकी कंपनियों से कम है। सभी कंपनियों एक साथ अपने रेट बढ़ा लिए हैं। 2 GB प्रतिदिन वाले डेटा वाले प्लान में बीएसएनएल में 199 में 30 दिन मिल रहा है। रिलायंस जियो 349 में 28 दिन दे रहा है। भारतीय एयरटेल 379 में 1 माह दे रहा है और वोडा आइडिया 379 में 28 दिन दे रहा है। इसी तरह 2 GB प्रतिदिन का जो दूसरा प्लान है 75 दिन वाला, बीएसएनएल 500 रुपये में दे रहा है, ये 859 में दे रहे हैं 84 दिन का, ये 979 में दे रहे हैं और ये 979 में दे रहे हैं। बीएसएनएल की तरफ लोगों का जो है अट्रैक्शन बढ़ रहा है। 6 दिन हुआ इसको लागू हुए इस स्कीम को कि रेट हमारा इतना रहेगा। 6 दिन में 30,000 ग्राहक बीएसएनएल के पास पहुंच चुके हैं। 30,000 ग्राहक
BSNL के बढ़ चुके हैं। तो अब एक मुहिम चल रही है कि इनके सिम हटाओ और BSNL अपनाओ। दोस्तों ये हुई आज की बड़ी खबरें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।